तो ऐसे आप कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, सारे प्रयाग जा सकते हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नर नदी, जो सीधे हरिद्वार जाती है, हरिद्वार तो हिमालय से आती है गाइस। ये वाली टॉप जो है ना, ये भतानगढ़ी की टॉप है यार गाइस। तो गाइस आप रोड देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भयंकर रोड है। यहाँ पे बादल लगे ना गाइस यार, वहाँ पे हम आपको यार पूरा हिमालय देखने को मिलता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यार, भाई साहब कैसे अटके हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ विनोद और हिमांशु हैं, और मैं जानते हूँ उनको, मेरे को MSR UK02। तो दिन के 2 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं ग्वालदम थोड़ा घूमने, और कुछ सामान भी लाना है। तो हम तीनों जा रहे हैं अभी बाइक में, तो आपको दिखाता है यार ग्वालदम कैसा है, और वहाँ का जो हिमालय है वो देखने को मिलेगा आज, तो आपको दिखाएंगे। और चलते हैं सीधे ग्वालदम, मिलते हैं बाइक पे आप। तो गैस हमारा कैमरा हो गया सेट, अब हम चलेंगे यहाँ से ऊपर ग्वालदम। आपको दिख रहा होगा सामने देवदार के पेड़, तो चलते हैं आप ग्वालदम की तरफ और दिखाते हैं आपको ग्वालदम गाइस। चलो रे बैठो। तो गाइस चलते हैं ग्वालदम की तरफ, बोला था आपको कि सीधे बाइक पे मिलेंगे और हम बाइक पे मिल गए हैं। दिखाते हैं आपको ग्वालदम का मार्केट। बताया था आपको कि ग्वालदम जो है गढ़वाल क्षेत्र में आता है, तो यहाँ से हमारा गढ़वाल क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। बस हमारा गांव जो है कुमाऊँ में आता है और ग्वालदम जो है गढ़वाल में आता है। हमारे गांव से ग्वालदम की दूरी है 6 किलोमीटर, तो पास में ही गढ़वाल स्टार्ट हो जाता है यार। तो गाइज आप रोड देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भयंकर रोड है, चक्चों की हालत ख़राब हो जाती है इस रोड पर। गाइज मेरी भी हालत ख़राब हो गई, लेकिन जैसे तैसे चढ़ा दिया और ये हम पहुंच चुके हैं अब हाईवे पे। और देख सकते हैं आप ग्वालदम स्टार्ट हो गए यहाँ से, और ये हाईवे हमको जोड़ती है सीधे देहरादून से। तो यहाँ से आप कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, सारे प्रयाग जा सकते हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये यहीं से जा सकते हैं गाइस। और यहाँ से हमारा ग्वालदम का ग्वालदम स्टार्ट हो गया, और छोटी सी मार्केट ग्वालदम की आप देख सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा हम दूर घूमने जाएंगे, काफ़ी ठंडा इलाका है यार गाइस, यहाँ पे काफ़ी ठंड हो रही है, तभी मैं फुल पैक होके आया हूँ, बिल्कुल जैकेट पहन के आया हूँ। और यहाँ पे हमारे SSB वाले फौजी भी रहता है, ये नीचे साइड को हमारे SSB के जवान। तो ग्वालदम का मार्केट काफ़ी छोटा है यार गाइस, और यहाँ पे हमको बेस्ट प्लेस देखने को मिलता है गाइस, ताल, यहाँ पे ग्वालदम का ताल। और सामने यार गाइस हमको हिमालय नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि पूरे बादल लगे हैं, और सशस्त्र सीमा बल का गेट। गाइस यार हिमालय देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, नहीं तो इतना बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा हिमालय दिखता है गाइस यहाँ पे, तो क्या होगा। मैंने सोचा हिमालय दिखेगा, बट हिमालय तो दिख नहीं रहा है। तो हम थोड़ा आगे तक जाएंगे और देख सकते हैं यार आप गढ़वाल की रोड यहाँ पे कितनी मस्त बना रखी है, एकदम मज़ा आ रहा है राइड करने में। और यहाँ से हम फेमस मंदिर भतानगढ़ी भी जाते हैं, तो पिछले 1 साल पहले मैं गया था भतानगढ़ी और अंग्यारी महादेव, तो वो वाला ब्लॉग मेरा है, आपने देखा होगा गाइस। और यार रोड पे यार हाईवे पे मज़ा आ रहा है।
तो गाइस हम यहाँ पे रुकते हैं और करते हैं थोड़ा फ़ोटो शूट, और आपको भी दिखाते हैं यहाँ पे कुछ नज़ारे यहाँ के ग्वालदम के। तो गाइस यार आपने अभी तक देखा ग्वालदम, और हम थोड़ा आगे से आगे गए थे घूमने के लिए, तो आपने देखा होगा मेरी राइट और ग्वालदम का ये सफ़र। तो आपको नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ कुछ पहाड़ियाँ गढ़वाल क्षेत्र की, दिखाता हूँ गाइस कैसा होता है गढ़वाल क्षेत्र, और आप पीछे भी देख सकते हैं। और इन दोनों को देखिए गाइस, यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है दोनों का, और इनको कोई और टेंशन नहीं है यहाँ पे, मेरे को भी नहीं है वैसे तो। गाइस यार आपको दिखाता हूँ कुछ पहाड़ियाँ गढ़वाल क्षेत्र ग्वालदम चमोल डिस्ट्रिक्ट। और विनोद भाई फोटोग्राफर हिमांशु, विनोद भाई कैसा हो रहा है, मज़ा आ रहा है तेरे को? मज़ा आ रहा है। और हिमांशु तो खाली फुरफुर बन गया रखा है, ठंडा कितना हो रहा है ये बता पहले। वही रात थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा, अभी तो नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी तो धूप में है तू, रंग कर रहा है यहाँ। तो गाइस यार आप देख सकते हैं यहाँ पे गढ़वाल का कुछ ऐसा व्यू, और यार सामने जहाँ पे बादल लगे ना गाइस यार, वहाँ पे हम आपको यार पूरा हिमालय देखने को मिलता, बट यार किस्मत ही ख़राब है, क्या करें, हिमालय देखने को नहीं मिल रहा है यार गाइस यहाँ पे। और आप देख सकते हैं ये वाली टॉप जो है ना, ये भतानगढ़ी की टॉप है यार गाइस, अगर आप गए हो कभी आपने देखा है इस टॉप पर, अगर आपने फ़ोटो खींची है तो गाइस कमेंट करें ज़रूर से। तो और ऊपर आप देवदार के पेड़ देख सकते हैं, तो देवदार के पेड़ वहीं होते हैं जहाँ ज़्यादातर बर्फ़ पड़ती है, तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है एकदम। तो गाइस मैंने लेना है सामान यहाँ से ग्वालदम से, और अब चलते हैं सामान लेके घर की तरफ, ठीक है गाइस। और हिमांशु कैसा लग रहा है गाइस, बड़ा झम लग रहा है यार, मिलता है गाइस फिर घर जाके। तो गाइस सामने जो दिख रहा है ना आपको, वो है पिंडर नदी जो सीधे हरिद्वार जाती है, हरिद्वार तो हिमालय से आती है गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यार, भाई साहब कैसे अटके हैं, कभी भी गिर सकते हैं। तो गाइस यार हम ग्वालदम घूम के आ गए, उसके बाद मैं गया ऐसे ही घूमने के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट व्यू कितना मस्त आ रखा है, एकदम पूरा गरुड़ क्षेत्र दिखता हुआ, और ये हमारी चुड़ैल माता। ठीक है गाइस, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें MSRUK02 को।